मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे हम फर्टिलाइजर्स कौन कौन से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास मौजूद है जी, ठीक है, वो हमारे पास एक तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक तो एसिड है, ठीक है, और दूसरा ये है कि चीपेस्ट है, इजिली हमें जो है वो मिल सकता है। और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर ये भी है कि एक कंट्री की जो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है और फर्टिलाइजर ज्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो है इनकम हम कहते हैं कि बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से हम जो है बेसिकली बना सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर। सबसे पहले हमारे पास है जी अमोनियम सल्फेट, ठीक है। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए वो कौन कौन से होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, एक तो हमें नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंटली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास आ जाता है जी वो फॉस्फोरस है यहाँ पर, ठीक है। मैंने इनकी जो है एन और पी के साथ यहाँ पर लिख दिया, सिंबल से मेंशन कर दिया है। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अमोनियम सल्फेट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लेते हैं जी अमोनिया लेते हैं, ठीक है, मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ। अमोनिया हमने लिया और उसको जो है हम क्या करते हैं, इधर मैं लिखती हूँ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में हम उसको लेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे जी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम यहाँ पर ले आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड लेके उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हमारे पास बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर हमारे पास बनेगा, तो हम इसको ले आते हैं अमोनियम सल्फेट को और इक्वेशन की फॉर्म में हमने यहाँ पर अमोनियम सल्फेट एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है जी वाटर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम ऐसे करते हैं इसको केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को पूरा लिख देते हैं। हमें चाहिए NH3, इसके किस फॉर्म में हमें चाहिए जी, एक्वस फॉर्म में चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसमें जो है वाटर की कुछ अमाउंट जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ हमें चाहिए जी H2SO4, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्वस फॉर्म में अगेन, ठीक है जी। उसके बाद ये हमें क्या बना के देगा, हमें बना के देगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं SO4, और साथ में हमें क्या बन के देगा जी, ये वाटर बना के देगा, ठीक है, H2O। यहाँ पर हमारे पास ये जो है, अगर हम H2O इसको लिखें मेंशन ना भी करें तो हमारे पास ये एडजस्टेबल है क्योंकि हम एक्वस लिख रहे हैं इन सब इक्वेशन, यहाँ पर सब हमने जो लिखा है एक्वस लिखा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सारे का सारा रिएक्शन जो है वो एक्वस एनवायरनमेंट में हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम क्या करते हैं जी, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें हम देख रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट हमारे पास फर्टिलाइजर जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है सुपर फॉस्फेट। अब सुपर फॉस्फेट के ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें क्या लगता है, हमें यहाँ पर जो है सुपर फॉस्फेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें फॉस्फेट की अमाउंट जो है ना वो हमारे पास परसेंटेज नॉर्मल फॉस्फेट से ज्यादा होती है, ठीक है। तकरीबन कितनी परसेंटेज हमारे पास होती है जी, हम ले आते हैं यहाँ पर 16 to 20% हमारे पास जो है वो इसकी परसेंटेज होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो सुपर फॉस्फेट्स होते हैं यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंगल होता है, ट्रिपल फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास फॉस्फेट की अमाउंट जो है वो वेरी करती है, और नॉर्मली जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यूज कर रहे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ वगैरह के लिए और प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये प्रिपेयर होता है। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड जिस तरह हमने यहाँ पर यूज किया फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, यहाँ भी हम यूज करेंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए जी, कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए। यहाँ पर हम लिखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है जी, ये हमें रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, हम लिख देते हैं फॉस्फेट। एंड देन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है जी, इसके साथ हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, हम यहीं से ले आते हैं इसको और इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से हम कॉपी करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करना है, और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास तकरीबन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है कि अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये दोनों हमारे पास जो है वो जब रिएक्ट करेंगे दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बना देगा जी सुपर फॉस्फेट, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा,
कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका चले हम नाम लिख देते हैं कैल्शियम, और इसको कहते हैं सुपर फॉस्फेट हम, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन। और इसका फॉर्मूले से भी हम देखेंगे कि हमारे पास डाइहाइड्रोजन मौजूद है या नहीं, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है जी, यहाँ पर हमने लिखा फॉस्फेट, तो इस तरह से हमारे पास एक ये प्रोड्यूस हो जाएगा। साथ में हमारे पास जो है जिप्सम प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट था, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है जी, उसके साथ हमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड को हम यहाँ से ले आते हैं एक्वस फॉर्म में हमें चाहिए, जबकि जो हमने लिया है कैल्शियम फॉस्फेट वो हमें सॉलिड की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं और इसको हम करते हैं जी, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, इक्वेशंस को हमने मेंशन कर दिया है। और उसके बाद हमें ये क्या बना के देगा, यहाँ पर हमें बना के देगा जी Ca H2, ठीक है, PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट होती है तकरीबन 16 to 20% सुपर फॉस्फेट, जिस तरह हमने मेंशन किया फॉस्फेट की, हमारे पास अमाउंट इसमें इंक्रीज हो जाती है। और साथ में हमारे पास बन जाएगा Ca SO4, और ये भी सॉलिड में बनेगा और ये भी हमारे पास जो है वो सॉलिड में बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक्वस में और ये सॉलिड में, इस तरह से हम देख रहे हैं तीन कैल्शियम यहाँ पर हैं, दो और तीन यहाँ पर हो गए, फॉस्फेट के हमें टू यहाँ पर चाहिए, इसी तरह से फॉस्फेट यहाँ पर 2 यूनिट्स हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने हैं जी, 4 हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर शुरू में 2 लगाना पड़ेगा, और सल्फेट को हम देख रहे हैं सल्फेट ग्रुप इस तरफ हमारे पास कितने हैं जी, 2 हैं, और इस तरफ भी 2 है, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई और हमारे पास क्या बन गया जी, सुपर फॉस्फेट, जो कि हमारे पास फर्टिलाइजर है, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हुए हमने सुपर फॉस्फेट बना लिया। इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, हमारे पास बैलेंस है या नहीं, नाइट्रोजन इस साइड पे 2 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हम 2 शुरू में लगा देते हैं। हाइड्रोजन 3 2s 6 7 8 हो गए, 4 2s यहाँ पर भी 8 है, और सल्फेट एक ही ग्रुप है और यहाँ पर भी एक ही यूनिट है। तो यहाँ पर हमने देखा जी मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स के सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट दो हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को डिस्कस किया, अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट हमारे पास किस तरह से बन जाते हैं।